जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे। कन्हू छोटा बाबू है, नहीं शिवा छोटा बाबू है, ये लड्डू बाबू है, ये भी लड्डू बाबू है, ये भी लड्डू बाबू है, ऐसे कर लो। राधे राधे, देख देख लड्डू, देख लड्डू, देख लड्डू, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है निक्की शैलेंद्र गौर। तो यहाँ पर जो है दिन में हम लोग जवा तोड़ रहे हैं और लड्डू ऊपर आ गया है, हमारे पास ही है और परेशान भी काफ़ी कर रहा है, रो रहा है ये। एक्चुअली काफ़ी टाइम से ऊपर था इसलिए, तो इसे अब थोड़े बहुत देर में इसकी मम्मी के पास भेजेंगे नीचे। अभी बच्चे खेल रहे हैं तो सोचा कि चलो खेलने दो। और यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ जवा, गर्मियों में ना कुछ टाइम लंबा होता है तो ना कटता नहीं है, तो इस वजह से हमने सोचा चलो जवा ही तोड़ लेते हैं। और देखो लड्डू खेल रहा है लड्डू बाबू के साथ, तो इससे ना मैं और इसके ताऊ जी लड्डू ही बोलते हैं, वैसे इसका नाम शिवा है। तो यहाँ पर जो है मैंने मशीन लगा रखी थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी सुखा देती हूँ साथ के साथ। गर्मियों के दिन जो हैं बहुत बड़े होते हैं, कांटे नहीं कटते, तो थोड़ा सा काम ढूंढ ढूंढ के हम करते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो मशीन ही लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैं अभी इन्हें सुखा रही हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो ऐसे ही होता है, किस किस के साथ ऐसा हो रहा है, गर्मियों के दिन नहीं कट रहे। गर्मी बहुत भयंकर वाली हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बस बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर जो है मेरी बेटी कैमरा लेकर आ गई है, वो शूट कर रही है। एक्चुअली ट्राइपॉड नहीं है ना मेरे पास, वो ख़राब हो चुका है, इसलिए तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा आप ही शूट कर लो, तो वो शूट कर रही है। और हमारा लड्डू नीचे अपनी मम्मी के पास जा चुका है और शायद वो अब सो भी गया होगा। तो ये है हमारे घर के बाहर का व्यू, नीचे गाय बनती है, हमारी गाय बंधी हुई है। और देखो धूप कितनी ज़्यादा है और सड़क वगैरह रोड सारे एकदम खाली पड़े हैं। तो ये है सामने मेरे जेठ जी का घर है ये। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने जवा सुखाए थे जो हल्के हल्के सूख गए हैं, तो मैं चेक कर रही थी, तो धूप में ही मैंने रख देते, वैसे सूख ही जाते हैं, आधा एक घंटे में सूख जाते हैं ये। तो इसके बाद जो है शाम का समय हो गया, तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े भी उतार ही लेती हूँ। कपड़े सुखा रखे थे ऊपर छत पे, तो उन्हें उतारने में ऊपर चली गई। और कंबल वगैरह भी आज मैंने वॉश कर दिए थे, क्योंकि ना ज़्यादा यूज़ मैं वैसे भी धोती रहती हूँ, 3-4 दिन होते हैं और धो देती हूँ कंबल वगैरह। कंबल वगैरह जो बेडशीट वगैरह मैं बहुत जल्दी जल्दी धोती हूँ, बहुत ज़्यादा 2-3 दिन में निकाल ही देती हूँ। मशीन लगती है तो सोचती हूँ चलो डाल लूँ, तो सबसे पहले मैं मम्मी जी पापा जी और देवर जी के कपड़े उतारूँगी, क्योंकि उनके कपड़े नीचे लेके जाने पड़ते हैं, फिर मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग अलग उतारूँगी, अपने बाद में उतारूँगी, पहले मम्मी जी वगैरह के उतारूँगी। यहाँ पर देखो लड्डू हमारा खेल रहा है अपनी दीदी के साथ छत पर। शाम का समय हो गया है, मतलब धूप वगैरह जा चुकी है। तो यहाँ पर मैं कपड़े निकाल कर ले आई हूँ और ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जो है मैं आ गई हूँ नीचे, तो सफाई वगैरह कर रही हूँ ऊपर से, अपनी सफाई वगैरह करके नहा धो के आ चुकी हूँ। उसके बाद सोचा चलो नीचे की भी सफाई करते हैं, तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह ऊपर का ख़त्म करके आ गई थी, फिर मैंने नीचे की भी सफाई वगैरह करी। सफाई वगैरह मतलब झाड़ू वाड़ू तो लगी हुई थी, मम्मी जी से सुबह ही लगा लेती हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है बेड वगैरह साफ़ करा है। और अब चलते हैं हम किचन की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैंने बेसन के गट्टे बनाने रख दिए हैं, उसकी सब्जी बनाऊँगी आज। फिर वही नेक्स्ट डे दोपहर का समय था, तो मैंने आज भी मशीन लगा दी थी, तो उसी में मैं कपड़े डाल रही थी। नीचे से लेकर आई थी कुछ कपड़े मम्मी जी वगैरह के, देवर वगैरह के, और कुछ हमारे भी हो रखे थे, तो ज़्यादा नहीं थे, एक ही दिन के थे बस। तो यहाँ मशीन लग चुकी है मेरी और अब मैं आ गई हूँ अपनी ऊपर वाली किचन में, मतलब सिर्फ नाम की किचन है, खाना पीना नहीं बनता है। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी के कपड़े मैंने यहाँ से रखे हैं, तो मैंने यहाँ से निकाल दूंगी, उतार के प्रेस करके रख दूंगी, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे इकट्ठे, मैंने धोए थे ये। और मैं अपने किचन में ही उनके कपड़े सुखाती हूँ।
तो बस इनके कपड़े उतार के मैं प्रेस करके और तय करके इनकी बास्केट जो है उसमें रख दूँगी। इतने सारे कपड़े थे ये, और भी हैं शायद, ये रहे। कुछ मंदिर में बिछाने वाले होते हैं, कुछ टॉवल्स होती हैं, तो बहुत सारे कपड़े इनके हो जाते हैं। तो इतने सारे कपड़े हैं ये, इन्हें मैं प्रेस करके रखूँगी। और अभी मेरी मशीन लग रही है तो कपड़े मैं वॉश कर रही हूँ। और थोड़ा मैसेज ये है किचन मेरी क्योंकि यूज़ में नहीं आती ना, इसलिए और इसमें एक्स्ट्रा सामान बस रखा हुआ है। तो चलो करते हैं आगे का काम। यहाँ पर चल रही है बच्चों की क्लास। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? नहीं करूँगी बंद। तो यहाँ पर चल रही है हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लास, तो बंद हो गई, छुट्टियाँ चल रही हैं। तो बच्चे यहाँ पर ही अपना स्कूल खोलकर बैठ चुके हैं। तो देखो तो यहाँ देखो ये स्टूडेंट बना हुआ है वर्ष, और मेरे बेटे ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है। कह रहा मुझे ना यूनिफॉर्म पहन के ना मुझे स्कूल जैसे फीलिंग आएगी। ठीक है, चलो युक्ति पंजाबी। एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। अपनी कैप तो ऊपर कर। ये बता बच्चे ऐसे हैं स्कूल में बैठे कैप लगा के टोपी लगा के, और वैसे ये बच्चे स्कूल में जाएंगे ना तो टीचर मार मार के भगाएंगे, अच्छा कैप लगा रखी है। ओके, शंटू कुमार प्रेजेंट, मिंटू कुमार अब टोपी लगा ले, टोपी करो और मैं करती हूँ अब यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड। तो बताना ज़रूर आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो जय श्री राधे, जय श्री श्याम सभी को, सो बाय।